हिमाचल के कांगड़ा में 200 फुट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, बच्चों समेत 25 से ज्यादा लोगों की मौत, बस में सवार थे 39 लोग। दलितों पर कथित अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में उपवास, छोले भटूरे खाते कांग्रेसी नेताओं का फोटो वायरल। अरविंदर सिंह लवली ने बड़ी अजीब सफाई दी, सुबह 8 बजे की हैं तस्वीरें। कांग्रेस के उपवास पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस पूरे देश को जातियों में बांटने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस उपवास कर जनता का कर रही है उपहास। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को शिकारीपुरा से दिया टिकट, कर्नाटक में एक ही चरण में होंगे मतदान, आगामी 12 मई को होने हैं चुनाव। बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पिता की जेल में मौत, मामले में थाना प्रभारी समेत 6 लोग सस्पेंड, 4 लोग गिरफ्तार, सीएम योगी ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। जयपुर में घर से नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरन बलात्कार का मामला आया सामने, गांव के ही एक युवक पर रेप कर उसके 2 साथियों पर उसकी मदद करने का आरोप, थाने में केस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, अब खबरें विस्तार से। उपवास एक ऐसा शब्द जिससे भूखे रहने का बोध होता है, लेकिन दलितों के लिए राहुल गांधी का उपवास अब तक के हुए सभी उपवासों के मायने बदल देता है। ये एक ऐसा उपवास था जो नाश्ते के बाद और खाने से पहले किया गया। राहुल गांधी के इस अल्पकालिक उपवास को समझने और समझाने का प्रयास किया है हमारे सहयोगी ने अपने कुछ खास अंदाज में। आज राहुल गांधी का दलितों के लिए एक दिन का उपवास था। दलितों के दर्द से द्रवित होकर उन्होंने राजघाट पर अनशन करने का फैसला लिया। उनके इस अनशन व उपवास की चर्चा मीडिया में जोर शोर से थी, लेकिन मामला तब गड़बड़ा गया जब राहुल गांधी के उपवास की अवधि अल्पकालिक निकली। उनके उपवास का समय बस उतना ही था जितना नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच का समय होता है। इस उपवास का उपहास उड़ना भी शुरू हो गया। लोगों में तरह तरह की बातें उठने लगीं, लेकिन मेरी राय में राहुल गांधी जी, इनकी बातों का बुरा ना माने तो बेहतर होगा, क्योंकि ये नादान लोग हैं और नादानों को आपकी बातें जल्दी समझ में नहीं आ पाएंगी। फिर भी हम जैसे समझदार लोग हैं जो आपकी बातें पूरी तरह समझते हैं। आपका यह अल्पकालिक उपवास दलितों के दर्द को तो दर्शाता ही है, साथ साथ उपवास को अल्पकालिक कर आपने किसानों का भी भला किया है। कोई और समझे न समझे, लेकिन हम तो यह भली बात समझते हैं। ये लोग कह रहे हैं गांधी जी कई दिनों तक उपवास रखते थे, लेकिन तब बात और थी। हमारे देश में अन्न की कमी थी, अब प्रचुरता है। आज आप लंबा उपवास करते तो किसानों की हानि होती, उनका अनाज बच जाता, भाव गिर जाता। ठीक किया, नाश्ता कर लिया और दोपहर के भोजन से पहले अनशन तोड़ दिया। किसानों को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे हम हैं। लोग कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपने अनशन का नया प्रारूप प्रस्तुत किया है, आपने स्थिति और परिस्थिति को समझा और वह कर दिखाया। लोगों की बात छोड़िए, क्योंकि लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। स्पेशल डेस्क, देवेंद्र कुशवाहा, न्यूज इंडिया। देश भर में कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय उपवास कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कांग्रेस के उपवास पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश को जातियों में बांटने का काम करती आई है,
साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने जब सिख समुदाय के लोगों को नरसंहार किया तब क्यों नहीं किया उपवास। जिस पार्टी ने आज तक जातिवाद की राजनीति की वो आज उपवास कर जनता का उपहास कर रही है। इससे ये पूछना चाहिए कि वो देश में उपवास कर रही है। उपवास का तो मतलब ये होता है कि एक दिन पूरा भोजन नहीं करना। सुबह ब्रेकफास्ट उन्होंने किया होगा, अब घर जाकर के वो लंच करेंगे और ये उनका उपवास है। ये उपवास नहीं, ये उनका उपहास है देश की जनता के प्रति। 2 तारीख को जो घटना हुई उसकी सबने निंदा करी, उसकी सबने निंदा करी। जो 2 तारीख को जो भी घटना हुई है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटका में 358 दलितों की हत्या हुई थी, तब राहुल गांधी जी ने उपवास रखा था? कर्नाटक में दलितों के उत्पीड़न पर राहुल गांधी ने कभी उपवास रखा क्या? स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन की 263वीं जयंती मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि मरीज की स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसकी बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम होम्योपैथिक कर रही है। उन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट नहीं होने और कड़वी दवाई के स्थान पर मीठी गोलियों से सहज इलाज मिलने के कारण ये पैथी आमजन में तेजी से अपना विश्वास जमा रही है। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे अपनी पैथी पर विश्वास कर आमजन को रोग मुक्त करने के साथ साथ रोगों से बचने के उपाय करें। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर अपने एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। झुंझुनू में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौर ने जीन नगर समाज के अतिथि भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर भाजपा के मदन लाल सैनी भी साथ रहे। पंचायती राज मंत्री राठौर ने कहा कि जीन नगर समाज एक विकसित समाज है और उन्होंने अतिथि भवन के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया और उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं SC ST समाज आरक्षण के साथ छेड़छाड़ के मामले पर मंत्री राठौर ने कहा कि SC ST समाज पहले भी भारतीय जनता पार्टी का था और आज भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। पुरुषार्थ से भरा हुआ समाज का इतिहास है। आज शेखावाटी हृदय स्थल में इनके अतिथि गृह का लोकार्पण हुआ है। मैं और मेरे साथी इनको बधाई देने आए हैं। यह समाज हमेशा पुरुषार्थ से रहने वाला समाज है। SC ST समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, अभी था, अभी रहेगा। 1916 के अंदर जो संशोधन इस एक्ट में किया गया और इसके अंदर कंपनसेशन और दूसरी चीज़ों का सरलीकरण किया गया, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। लोग इसको समझते हैं, कितना ही कोशिश कर ले लोग षड्यंत्र शिकार नहीं होंगे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद राहुल गांधी ने और बढ़ा दिया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और प्रशिक्षण महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उन्हें कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी शामिल कर लिया गया है। उन्हें इस कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शामिल किया है। राजस्थान की राजनीति में दिग्गज गहलोत को इस कमेटी में शामिल करने के बाद माना जा रहा है कि अब वे कांग्रेस के चाणक्य की भूमिका में नजर आएंगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 12 सदस्यीय इस कमेटी में देश भर से केवल एक नाम गहलोत का जोड़ा गया है। गहलोत को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में शामिल करने के बाद अब चुनावों में उनकी राय अहम रहेगी। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में गहलोत के उसी तरह के फॉर्मूले पर पार्टी चल सकती है जिस तरह का फॉर्मूला उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान दिया था। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस धरना और उपवास पर है। बिहार में भी प्रदेश कांग्रेस ने राज्य मुख्यालय समेत सभी जिलों में धरना दिया। SC ST मामले पर कांग्रेस के इस आंदोलन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन्होंने कभी अंबेडकर के विचारों को तरजीह नहीं दी। आज कांग्रेस जितनी निम्न राजनीति में उतर गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार में कोई कमी करने का कोई विषय लाया ही नहीं है।
लेकिन जिस प्रकार से उनको तो कांग्रेस को तो हक नहीं है, आज तक गांधी के नाम को लेकर केवल राजनीति करने वाले अंबेडकर को भी सम्मान तक नहीं दे पाए, अंबेडकर के विषयों की चर्चा तक नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार बनी जिसने कि अनुसूचित जाति के आयोग का भी गठन किया। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इस विषय पर अपनी बातें रखी। आज कौन से अधिकार की बात करें, केवल दलित के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस कभी गांधी परिवार से बाहर निकल पाई। पटना विधान परिषद के 11 सीटों को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। जदयू, बीजेपी और राजद के कई बड़े दिग्गजों की सीटें खाली हो रही हैं। वैसे आंकड़ों के इस खेल में जदयू बीजेपी गठबंधन पर परिषद में हावी होगा महागठबंधन। वहीं एक सीट को लेकर एनडीए में फंस सकता है पेंच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत अन्य कई दिग्गजों का कार्यकाल बिहार विधान परिषद में समाप्त हो रहा है। वैसे इस परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। 16 अप्रैल तक जहां नामांकन होगा, वहीं 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं नाम वापसी की तारीख 19 अप्रैल तय की गई है। वहीं अगर जरूरी हुआ तो 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वैसे इन 11 सीटों में आरजेडी की एक सीट है, बाकी 10 सीटें बीजेपी जेडीयू की हैं। लेकिन इस बार इस गठबंधन को 4 सीटों का नुकसान हुआ है। जेडीयू बीजेपी को जहां नंबर के हिसाब से 3-3 सीट मिलेंगी, वहीं आरजेडी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय है। वैसे इस चुनाव को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और अभी कुछ खास नहीं बोल रही है। हमारा जो महागठबंधन है, शुभकामनाएं दें और आगे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो पहला मुलाकात था, पहली बार शक्ति जी से मुलाकात मिलना जरूरी। बस के अगर सहयोगी दल लोग प्रभारियों से नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आए हैं और इनको सबसे पहले हमने बधाई दी है कि जिस दिलेरी के साथ इन्होंने गुजरात में मोदी जी को जिस तरह से पसीना चुराया, इसके लिए हम उनको बधाई देंगे। दरअसल आरजेडी कांग्रेस ने आंकड़ों में बीजेपी जेडीयू को पटकनी देते हुए उनकी 4 सीटें झटक ली हैं। यानी संख्या बल के मामले में नए गठबंधन पर महागठबंधन हावी होता नजर आ रहा है। वैसे इस मामले पर बीजेपी ने साफ किया है कि 2015 में जनता को गफलत में रखकर भले ही इन्हें ज्यादा फायदा मिला हो, जिससे अभी परिषद में वो आगे निकल गए हैं। 2015 में जो उन्होंने बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया था, धूल झोंकने का काम किया था, उसके कारण कुछ आंकड़ों में भले वो आज अपने आप की संख्या को मान रहे होंगे, पर हकीकत के आईने में देखिए तो वो आंकड़े भी उनके अपने आंकड़े नहीं हैं। और मैं तो कहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, बहुत जल्दी आपकी संख्या कितनी बढ़ रही है और घट रही है, बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव है, साल भर के अंदर आपको आपका आईना में खुद देखने को मौका मिल जाएगा। जहाँ तक कुछ आंकड़ों के एमएलसी कम और बेसी होने की बात है, निश्चित रूप से 2015 के चुनाव में हम लोग को सेटबैक हुआ था। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद में एक सीट के लिए 22 सीटों की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा में दलों के संख्या बल के आधार पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलना तय है। वैसे इन सीटों पर अभी कोई पैच नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर दोनों गठबंधन में कोई एक और उम्मीदवार खड़ा होता है तो 26 को मतदान कराया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कैदियों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 233 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की मुक्ति के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचार किया गया। इनमें से 221 को मुक्त करने का निर्णय लिया गया। कैदियों ने औसतन 23 वर्ष की सजा पूरी कर ली है। शेष 12 मामलों को लंबित रखते हुए अगली बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ फिर से लाने का निर्णय लिया गया है। साइबर क्राइम को देखते हुए जमशेदपुर की पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की है। सिटी एसपी प्रभात कुमार ने बिष्टुपुर के स्टेट बैंक से इसकी शुरुआत की है। बैंक की हर वो जगह पोस्टर लगाया गया जहां बैंक के ग्राहक इस पोस्टर को देख सकें और उसे पढ़ सकें, सावधान हो सकें।
जिला पुलिस ने शहर के तमाम बैंकों में पोस्टर के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को सावधान किया है। इस पोस्टर में हर वो सावधानी के बारे में बताया गया है जिससे ग्राहक साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकेंगे। साथ ही इस पोस्टर पर संबंधित थाने से लेकर डीएसपी तक के अधिकारियों के नंबर हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देख करके जमशेदपुर पुलिस की दो मुख्य बिंदु पर फोकस रहा है। एक तो जो भी केसेस हो रहे हैं उसको त्वरित रूप से उद्भेदन किया जा रहा है, जिसके आलोक में आप जानते हैं जैसे हम लोगों ने साइबर थाना का उद्घाटन किया है, वहाँ साइबर रिलेटेड जितने मामला हैं उसका फोकस करके उस पर उद्भेदन किया जाता है। दूसरा, प्रिवेंशन की दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी दिशा में हम लोगों ने कस्टमर्स के लिए एक सजेशन टिप्स डूज एंड डोंट्स का किया है, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर आप बैंक में आ रहे हैं पैसा निकाल रहे हैं। तो उसके लिए एक जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक पोस्टर डिज़ाइन किया गया जिसमें लिखा हुआ है, वो अट्रैक्टिव डिज़ाइन है पोस्टर का, कस्टमर्स को पढ़ने में भी बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है और काफ़ी सिंपल पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के पास ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी जिससे ऑटो में सवार एक मासूम की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने ट्रक समेत ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है। आज रामगढ़ थाना अंतर्गत एक एक्सीडेंट हो गया था एक ऑटो में और एक ट्रक में, जिसमें कि एक बच्चे अरमान जिसकी उम्र लगभग 15-17 साल के बीच बताई जा रही है उसकी मृत्यु हो गई है और लगभग 3 से 4 व्यक्ति घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और एक्सीडेंट के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। परिजनों द्वारा जाम भी लगाया गया, वो यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ था लेकिन वो संचालन उसका इसमें चल रहा है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर से नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरन बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की मां ने गांव के ही एक युवक पर अपहरण कर बलात्कार करने और दो युवकों पर आरोपी का साथ देने का केस दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा है कि गत 5 अप्रैल को गांव के ही एक युवक ने अपने दो साथियों की मदद से उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर गांव के बाहर बने एक पोल्ट्री फार्म पर उसके साथ जबरन बलात्कार किया, जबकि आरोपी के दो अन्य साथियों ने उसका सहयोग किया, बाद में पेय पदार्थ में नशा पिलाकर घर के बाहर छोड़ गए। तारीख की रात की बात है, लड़की को सुबह जब हमने देखा 4 बजे तो वो बेहोश थी, उसको खड़ा कर रहे तो वो नीचे गिर जा रही, उसको हमने पानी वानी उसके मुंह में डाला, होश में आई, मालूम किया कि क्या हुआ तेरे साथ में, तो पहले तो बहुत घबरा रही थी, फिर उसने बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, 3 महीने मुझे लेकर गए थे और एक लड़का, उसका नाम भी बताया उसने उन लड़कों के, एक लड़का सफीक का है, सादिक नाम है उसका, वो घर आया बोला कि कुछ बात करनी है थोड़ी सी बात सुन ले और उसको वहाँ ले गए, फिर उसके साथ में वहाँ ले जाके बदतमीजी करी उन्होंने। यूपी के बिजनौर में कांसीराम कॉलोनी के रहने वाले हजारों लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तमाम शिकायत के बावजूद टंकियों और सरकारी हैंडपंपों से निकलने वाला पीला और बदबूदार पानी नहाने और कपड़े धोने के लायक नहीं है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, शायद किसी बड़ी बीमारी का इंतजार कर रहे हैं। वाईफाई कुछ नहीं हो रही ढंग से, इतना परेशानी हो रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कूड़े हो रहे हैं, गंदगी हो रही है इतनी, यहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है, पानी वानी से भी हर चीज से हम परेशान हैं यहाँ पर, अब बरसात आएगी पूरे पूरे पानी भर जाएंगे यहाँ पर आधे आधे, सब परेशान हैं यहाँ पर हम लोग। अभी मेरे संज्ञान में आपने बताया, कल भी हमने एक दो लोगों का कल भी फोन आया था, तो जय साहब को हमने बुलाया था उसमें अपने वाटर वाट वाले अमित कुमार गौतम जी को, उस पर हमने काफ़ी लंबी डिस्कस की है और सही आपकी बात, उसमें कुछ ऐसा जो आप कह रहे हो वो सही बात है, हमने एक नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इसका वाटर का पूरा जो टैंक हवाई टैंकी है उसको साफ करा रहे हैं और कल अलीगढ़ से पूरी टीम आई थी, 2-2.5 घंटे से हमारे मंथन चला है, तो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा और हम इस तरीके से इसको सफाई करा रहे हैं, जो मशीन आती है मशीनों से सफाई, पहले जो सफाई करते थे आदमी करते थे। कांग्रेस पार्टी के एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम के तहत रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठकर उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम में दर्जनों कांग्रेसी मौजूद थे। पार्टी हाईकमान के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर उपवास बैठकर उपवास रखा।
वहीं इस विषय में विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि उपवास के नाम पर चंद गिने चुने कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर बैठकर खाना पूर्ति की है, साथ ही कलेक्ट्रेट पर बैठकर कांग्रेसियों ने नियम का उल्लंघन भी किया है। इन पर धारा 188 के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए। आज इनका सद्भावना उपवास था, मात्र एक घंटे के अंदर इनका उपवास समाप्त हो गया। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतने जिम्मेदार लोग इस धरने मौजूद थे और 50 की संख्या उपस्थित नहीं कर पाए। और दूसरा, धरने पर जिलाधिकारी महोदय ने इनसे कहा कि यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, उसके उल्लंघन पर 188 का मुकदमा कायम था। आज तक अनेक राजनीतिक दलों के ऊपर हम पर भी 188 के धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है, 144 का उल्लंघन करने पर। आज कांग्रेस के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कायम हो रहा? सरकार स्वच्छ भारत बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है, जिसमें सबसे बड़ा कदम शौचालय का है, लेकिन कई गांव शहरों में प्रशासन खुद अपनी लापरवाही और एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले के मुख्यालय कहा जाने वाला पालनपुर शहर आज गंदगी, बदबू और कई समस्याओं से जूझ रहा है। शहर के लोग आज भी अपनी मुख्य सुविधाओं के लिए परेशान हैं और प्रशासन के सामने हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। खुद पालिका महिला सदस्य के पति भी इस समस्याओं के लिए कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन पालिका इनकी भी एक नहीं सुन रही है। शौचालय तो जरूर बने हैं, पर बनाने वाली एजेंसियों ने हल्का मटेरियल लगाकर उसे बनाया है। दो तीन फुट के बनाए गए हैं। और वो शौचालय का आप उपयोग करते हैं शौच के लिए? नहीं, वो पूरे का भरा दो तीन महीने में भरा जाता है, तो इसके बाद उपयोग कैसे होगा? सब वो शौचालय का जो बनाया गया है, वो शौचालय का उपयोग क्या करते हैं अभी? शौचालय के उपयोग नहीं, ऐसे ही बन पड़ा है, जो भरा गया है वो बन पड़ा है। सब पब्लिक यहाँ से बाहर जाती है शौचालय के लिए। अब तो शौच करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं यहाँ के लिए? यहाँ कोई आजू बाजू खेत में बैठ जाते हैं। महिला भी खुले में जाती है। तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए आपने नगर पालिका में कोई रजुआत की थी? मैंने जो भी बाकी था उसका लिस्ट पहुँचाया, मगर अभी तक कोई निर्णय आया नहीं उसका। कोई आपको उसका जवाब नहीं मिला अभी तक? मैंने यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी गंदगी भी है, बहुत सारी गटरें उभरी हुई है, इसके लिए भी कोई आपने रजुआत की है? वो मेरे भी कोऑपरेटर है यहाँ नगर पालिका में। मैं यहाँ लगातार 6 महीने से वहाँ नगर पालिका में लगातार जाता हूँ। कितनी अर्जियाँ मैंने दी थी, सही साथ दी थी, मगर कोई नगर पालिका वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। वो आपको क्या जवाब दे रहे हैं? वो जवाब देते हैं आते ही आते हैं, दो तीन दिन आते हैं, देख के चले जाते, फिर बाद में कोई देखता ही नहीं है। पब्लिक मेरी बीबी कोऑपरेटर, मेरे को सब परेशान कर रही है यहाँ पे। राजधानी जयपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक के नीचे 2 स्कूटी भी दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पुलिस की एक टीम बजरी से भरे ट्रक का पीछा कर रही थी और बजरी से भरे ट्रक को चालक तेजी से दौड़ा रहा था। इसी दौरान गोपालपुरा बाईपास के पास स्थित बसंत बिहार कॉलोनी के मोड़ पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। इस दौरान एक मकान के बाहर खड़ी 2 स्कूटी भी ट्रक के नीचे दब गईं। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।